हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विज्ञान अंश। यू आर हियर विद हरदीप सिंह एंड टुडेज टॉपिक इज रिगार्डिंग द मोशन एंड इट्स पार्ट टू। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। ये स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, हम दो ही मुद्दों पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो लेट्स हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड टू लर्न समथिंग एंड बिगिन विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। चलिए पहले स्लाइड में देखते हैं। हमारे पास तीन क्लॉक ऊपर हैं और आर एंड कहीं ना कहीं खड़ा है, और ए से बी, बी से सी के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज़ 10 किलोमीटर ईच। ए टू बी डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, देन बी टू सी अगेन इट इज़ 10 किलोमीटर, राइट। दिस इज द व्हीकल एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए। हमने मोशन तो पढ़ रहा था कि रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। अब हम क्या देखते हैं कि हमारी जो पहला क्लॉक है उसने क्या बता दिया कि टाइम कितना हो गया, इट्स 9 o'clock। एंड एट द 9 o'clock द व्हीकल स्टार्ट इट्स जर्नी एंड इट्स स्टॉप एट पॉइंट बी एंड द टाइम इज 9:15 AM। हमने क्या देखा कि ए पॉइंट से, यानी कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट ए था, वहाँ से बी तक जब गाड़ी चली तो समय 9 बजे से लेके 9:15 हो गया, मतलब टोटल 15 मिनट कंज्यूम कर लिए, राइट। तो लेकिन बी से सी जा रहा है, अगेन 10 किलोमीटर है, अब टाइम कितना हो गया, इट्स 9:30, अगेन 15 किलोमीटर कंज्यूम किए हैं। मैंने दोनों ही बार जितने डिस्टेंस की बात की उसके साथ मैंने किसकी बात कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ। तो जब हम डिस्टेंस और टाइम दोनों को कंसिडर करना शुरू कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग मोशन क्या इक्वल इंटरवल के बीच में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। क्या देखा आपने, ए और बी डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 15 मिनट। बी टू सी डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, टाइम भी कितना लगा, अगेन 15 मिनट्स। तो ऐसा मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में होते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी मोशन के बाद अगला आपके डेफिनेशन आई, दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड इट इज़ इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और नीचे एग्जाम्पल आपने समझ ली है, राइट। जब हम अगली बात चलते हैं, अभी फिर से देखते हैं, वही स्थिति है, 3 क्लॉक्स, ए टू बी इट्स 10 किलोमीटर, देन बी टू सी इट्स 14 किलोमीटर। नाउ अब चलते हैं, अगेन द व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एट द 9 o'clock एंड रीचेज एट बी एंड इट्स 9:15। इसका क्या मतलब हुआ कि 9 बजे गाड़ी चलती है और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके बी पॉइंट के ऊपर 15 मिनट के बाद पहुंच जाती है। लेकिन जब बी से सी चलती तो स्पीड ज़्यादा है और ये 15 मिनट में डिस्टेंस कितना, 14 किलोमीटर कवर कर रही है। क्या समझे, टाइम वही रहा 15 मिनट, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा कवर हो गया। तो व्हाट डज दिस मीन, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है एट दैट सिचुएशन। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हमारी क्या चीज़ आ गई हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। कैसे हुआ नॉन यूनिफॉर्म, 10 किलोमीटर ए टू बी इन 15 मिनट, देन 14 किलोमीटर फ्रॉम बी टू सी अगेन 15 मिनट, तो वो 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दो तरह का मोशन क्लियर हो गया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब हम किसी डिस्टेंस कवर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर रहे हैं, देन द टर्म इज यूज हियर स्पीड। तो क्या बन जाता है, स्पीड बन जाती है। फॉर एग्जांपल 2 क्लॉक हैं, आर एंड आपको दिख रहा है, और एट ए पॉइंट व्हीकल इज स्टैंडिंग, इट स्टार्ट इट्स मोशन एट 9 o'clock। गाड़ी में देखिए 9 बजे हैं और गाड़ी ने चलना शुरू किया, इट कवर 16 किलोमीटर, 60 किलोमीटर इसने 30 मिनट में कवर कर दिए, क्लियर हो गया। डिस्टेंस हुआ 60 किलोमीटर, टाइम लगा 30 मिनट, तो स्पीड क्या रहेगी। तो सबसे पहले व्हाट डिफाइन स्पीड क्वेश्चन आएगा, तो स्पीड की डेफिनेशन रहती है
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड, कि किसी ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला क्या रहता है, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास डिस्टेंस था 60 किलोमीटर, टाइम था 30 मिनट, तो हमारे पास आंसर आ गया 32 किलोमीटर पर मिनट। 2 किलोमीटर पर मिनट कह रहा हूँ, तो जब भी हम किसी चीज़ की वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ दो पार्ट हैं, टू इज़ अ न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिक पार्ट कैसे, नंबर है टू और ये फिक्स क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी के बारे में नॉलेज देती है। बट व्हाट इज़ किलोमीटर पर मिनट, इट्स द नॉन न्यूमेरिक पार्ट, इट्स द यूनिट। तो ये क्या कहलाता है, यूनिट। किसी भी चीज़ के साथ यूनिट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। और याद रखिए स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन आता व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, देन आंसर इज मीटर पर सेकंड। हाँ, इफ़ क्वेश्चन आर व्हाट आर द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, ये सब हम बात ही कर सकते हैं। किलोमीटर पर आर की बात कर सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने फॉर द ईजीएस आपको आसानी से समझाने के लिए मिनट की बात हो रही थी, दैट्स वाई हमने इसको इसमें ले लिया 2 किलोमीटर पर मिनट में। और याद रखिए स्पीड में हम डिस्टेंस को ले रहे हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा प्लीज़। अब यहाँ चलते हैं, देखिए ए टू बी आप पाथ को देखिए, है तो 10 किलोमीटर, लेकिन रास्ता कितना खराब बना हुआ, उबड़ खाबड़ रास्ता, ठीक है। बी टू सी 10 किलोमीटर पर रास्ता बिल्कुल स्मूथ है, अगेन व्हीकल इज़ देयर एट पॉइंट ए, टाइम इज़ 9 o'clock। 9 o'clock इसने शुरू किया, रास्ता उबड़ खाबड़ था, गाड़ी की स्पीड बड़ी स्लो रही, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 15 मिनट लग गए। तो फर्स्ट 10 किलोमीटर कवर्ड इन द 15 मिनट, देन रास्ता स्मूथ था। ए टू बी तो क्लियर हो गया आपको कि डिस्टेंस और टाइम टेकर, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 15 मिनट। तो हम स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10 अपॉन 15, इट इज़ 0.66 किलोमीटर पर मिनट। बट बी टू सी स्मूथ रास्ता, दैट्स वाई गाड़ी मूव विद हाई स्पीड, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई एंड इट रीचेज देयर एट 9:20 से 9:20, जस्ट इन 5 मिनट्स अगले 10 किलोमीटर कवर हो गए। तो स्पीड फ्रॉम बी टू सी क्या होगी, देखेंगे नीचे कैलकुलेट की है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 अपॉन 5, दैट इज 2 किलोमीटर पर मिनट। तो हमारे पास दो तरह की स्पीड आई, ए से बी थी 0.66 किलोमीटर पर मिनट, लेकिन बी से सी कितनी है 2 किलोमीटर। तो ऐसा हमारे साथ हर बार होगा, जब कभी गाड़ी चलेगी, कभी रास्ते में भीड़ होगी, देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, कभी पहाड़ी होगी, कभी चढ़ाई होगी, कभी देर डाउन हिल, कभी उतराई होगी, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ड्यूरिंग दैट मोशन आपकी स्पीड कम भी हो जाएगी, ज़्यादा भी होगी, लेकिन टोटल डिस्टेंस को अगर हम देखेंगे कि हमारी नेट स्पीड क्या रहती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एवरेज डिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है, किसको देख के, एवरेज जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया होता है डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल जितना डिस्टेंस था उसको हम टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर देखिए, ए से सी कितना है 20 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 15 मिनट पहले 5 मिनट बाद में, तो नेट इट इज़ 20 मिनट। तो 20 डिवाइडेड बाय 20, तो 1 किलोमीटर पर मिनट। कोई अगर पूछे ए टू सी तक कितनी स्पीड रही, तो हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी 1 किलोमीटर पर मिनट। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। और एवरेज स्पीड क्यों लेनी पड़ती है, बिकॉज ए व्हीकल कैन नॉट मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन द नेचुरल फिनोमेना। अगर हम नेचुरल की बात करते हैं, अगर हमारी गाड़ी चल रही है, तो कभी नहीं होगा कि आपका एक जैसी स्पीड रहे, आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बनने के ही चांस है, बिकॉज देयर इज नंबर ऑफ हर्डल्स इन द रोड, रास्ते में चलते हुए कई मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई जब भी हम बात कर रहे हैं, दिस इज द एवरेज स्पीड की बात करते हैं। अब अगले पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा ही फर्क है, दोनों ही सेम थिंग्स हैं, बट कंडीशन क्या है, इन द केस ऑफ वेलोसिटी द
displacement is taken under consideration, means direction of motion is also taken under consideration. जब हम velocity की बात करते हैं तो देखिए A से B वही time 9:15 से चलती है गाड़ी, A से B 60 किलोमीटर तय करती है और 9:30 पे पहुंच जाती है, तो velocity क्या रहेगी? It is the displacement travelled by the object in unit time is known as speed. ध्यान रखिए displacement के केस में क्या हुआ कि अब जो डिस्टेंस ने लिया हमने डिस्प्लेसमेंट लिया वेलोसिटी के टाइम में, बाकी सब सेम रहा. तो अभी तो क्वेश्चन आंसर सेम है, वहाँ भी हमारा क्या आया था 2 किलोमीटर पर मिनट, यहाँ भी 2 किलोमीटर पर मिनट है, लेकिन डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ? ऐसा यूनिट भी सेम मीटर पर सेकंड है. तो अगर हम अगली केस में देखते हैं, अब ये गाड़ी यहाँ से अगर हमारी क्या हो जाती है, रिवर्स हो, तब द्वारा वहीं पहुंच गई बच्चे. अब डिफरेंस क्या क्रिएट होगा? जब हमारा व्हीकल द्वारा वापस चला गया तो डिफरेंस क्या आएगा? देखिए जब हमारे व्हीकल ने ए टू बी कवर किया और बी से वापस फिर वहीं चले गए, तो देखिएगा, ध्यान देखना थोड़ा सा, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा. पीछे आपने देखा वापस गई, कैलकुलेशन में कहाँ आएगा, यहाँ दोनों को कंपेरिजन में देखिए. अब ए से बी 60 किलोमीटर, टाइम 9 से चला 9:30, तो हमारा 2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट? तो वेलोसिटी क्या रही? दैट इज आल्सो 2 किलोमीटर पर सेकेंड. यहाँ तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट? अब हमारी गाड़ी टर्न की और बी से द्वारा ए पे आ गई. जैसे ए पे पहुँचती है, टाइम क्या हो गया वहाँ पे हमारा? टाइम इज 10 o'clock. द्वारा वापस वहाँ पहुँची तो 9 से कहाँ पहुँच गए? 10 o'clock. एक 1 hour का टाइम कवर हुआ. अब देखिए स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा. स्पीड हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ए से बी 60, बी से फिर वहाँ गए तो 60 60 120, टाइम लगा 60 मिनट, तो हमारा स्पीड हुई 2 किलोमीटर पर मिनट अगेन. बट वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. तो हमारा इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, सो दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम इज 60, सो द वेलोसिटी इज 0 किलोमीटर पर मिनट. तो यहाँ से क्या पता लगा कि स्पीड और वेलोसिटी तभी इक्वल हैं इफ़ द व्हीकल मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन ए स्ट्रेट पाथ. किसी स्ट्रेट रास्ते पे चल रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड है, एक ही तरफ को चल रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, उस टाइम पे स्पीड और वेलोसिटी बराबर होते हैं. लेकिन अगर क्या हो जाए, व्हीकल उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाए जहां से शुरू हुआ है, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है? इट इज़ 0. सेकंड केस में वेलोसिटी क्या होगी? 0. पर डिस्टेंस अभी भी क्लियर डिस्टेंस तो है, दैट्स वाई स्पीड अभी 0 नहीं हुई है, राइट? आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे. अब थोड़ा और डिफरेंस देखते हैं. हमने वही देखा, गाड़ी चली ए से कहाँ गई बी पे, बी से कहाँ आ गई वापस, यहाँ तक हम देख चुके हैं, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. और द्वारा गाड़ी यहाँ पहुँच जाती है, ए तक तो हमें समझ आ गया था, राइट? तो ए तक हमने क्या देखा, क्या डिफरेंस आया हमारा? दोनों में 0 आ गया. लेकिन अब ये गाड़ी ए से फिर बैक जा रही है और पीछे चली जाती है, कहाँ चली गई ये? तो सी पे चली गई. अब क्या कैलकुलेशन करेंगे आप देखिए, अब फ़र्क पड़ेगा ना. टाइम क्या हो गया हमारा? टाइम हमारा जब ए से यहाँ पहुँची है तो 10 से आगे चली गई निडल. अब देखते हैं हमारे पास स्पीड क्या बनी. उसमें 20 मिनट और ऐड हो गए और डिस्टेंस 40 मिनट ऐड हो गया, तो डिस्टेंस कितना बन गया? 120 प्लस 40 160. देखिए 60 किलोमीटर ए से बी, फिर बी से ए 60 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर ए से सी, तो नेट कितना हो गया? 160. और ऊपर निडल बता रही है कि उसने और 20 मिनट कवर कर लिए हैं, तो हमारे पास टाइम हो गया मान लीजिए 80. तो हमारे पास कितनी स्पीड बन गई? 2 किलोमीटर पर मिनट. लेकिन वेलोसिटी देखिए, अब हमारे पास क्या ऐसा आया 60 माइनस 60 माइनस 40, क्योंकि 160 हमारा राइट हैंड को है तो हमने पॉजिटिव किया, लेकिन जब लेफ्ट हैंड को वापस 60 आया तो माइनस किया, फिर और लेफ्ट हैंड को माइनस 40 किया, तो नेट डिस्टेंस हो गया -40 किलोमीटर. तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट हमारा. 80 मिनट है, अब फार्मूला तो वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम -40 अपॉन 80. तो आंसर आ गया -0.5 किलोमीटर पर मिनट. यहाँ से थर्ड केस में हमने क्या देखा कि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव,
वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर? फ्रॉम द अबव जितनी अब तक हमने डिस्कशन की है, तो एक तो हमें यह पता लग गया कि स्पीड इज, ठीक है, या तो क्या गाड़ी खड़ी है तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड जीरो है, चल पड़ी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट पाथ विद यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड तभी वेलोसिटी के बराबर होगा, दोनों की वैल्यू तभी बराबर आएगी जब कोई स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट डायरेक्शन में कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रही है। तो यहाँ से ये पता लग गया, तो दैट्स वाई हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड वर्सेज वेलोसिटी को, डिफरेंस को। स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड इज जीरो और पॉजिटिव ओनली, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब फिर वही बात, जैसे हमने एवरेज स्पीड की बात की थी, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी रहती है। कभी भी चीज़ एक जैसी स्पीड से या एक चीज़ वेलोसिटी से तो नहीं चलेगी, तो वो चेंज होती रहती है। तो इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। हमने शुरू में बात की थी कि इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो जहाँ से चीज़ चलती है वहाँ उसकी वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर चीज़ जाके कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा होता है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। कैसे लिखते हैं हम, वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। तो वी एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी। तो ये फार्मूला लगा के हम आगे जाके इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस। तो जब तक बुक में ध्यान से पढ़िए, इसको सीखिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।